नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका कैंपस टॉक्स की सेकंड वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कैंपस रिव्यू करने वाले हैं आईएसएमई यानी कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक्सलेंस बेंगलुरु का। अब इस कॉलेज का ना काफ़ी बड़ा नाम है मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर, तो इसका रिव्यू करना भी बनता है कि यार एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहा है कॉलेज। और अगर आप जो है 2024 के अंदर इस कॉलेज को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं अपने यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए, तो क्या ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों, जो आईएसएमई कॉलेज है ये अपने इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। खुद को ये काफ़ी ज़्यादा ये बोलता है कि मैं इंटरनेशनली एजुकेशन प्रोवाइड करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो किस टाइप की चीज़ें स्टूडेंट्स को ये ऑफर कर रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जाने से पहले हम कॉलेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो दोस्तों, जहाँ पे हम आईएसएमई कॉलेज का बात करें कि कॉलेज जो है क्या है, किस तरीके से ऑफर कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कॉलेज कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ 2006 के अंदर, एनबीटी ग्रुप ने इसको एस्टैब्लिश किया था। एनबीटी ग्रुप आप सब सर्च करोगे तो एक रियल एस्टेट कंपनी है बेंगलुरु के अंदर, काफ़ी ज़्यादा नाम है इसका वहाँ पे। तो इस ग्रुप के थ्रू ये कॉलेज रन किया जा रहा है। अब मेन बात के ऊपर आते हैं हम, दैट इज़ द एफिलेशंस और अप्रूवल्स, क्योंकि पीजीडीएम प्रोग्राम या मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर सबसे मेन डिग्री का जो वेटेज आता है वो इन्हीं से चीज़ों से आता है। तो सबसे पहले बात करूं AICTE का, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से कॉलेज अप्रूव्ड है। ऑल इंडिया एसोसिएशन जो रहता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से भी आपका जो पीजीडीएम प्रोग्राम है वो रिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब जो आपका पीजीडीएम वो एमबीए के इक्वलेंट आ जाता है इस कॉलेज का, जिससे आप जो फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहो तो जा सकते हो। थर्ड, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से जो है इसका अप्रूवल है, क्योंकि यूजी प्रोग्राम भी ऑफर करता है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम जैसे प्रोग्राम्स ऑफर करता है कॉलेज, तो ये आपके बेंगलोर यूनिवर्सिटी से रहेंगे। एंड MHRD, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाई अप्स हैं जिससे कॉलेज अप्रूव्ड है। IMA से अपना एसोसिएशन है कॉलेज का। एंड NAC और NBA का बात करूं तो NBA से जो है वो कॉलेज एक्रेडिटेड है। इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है PGDM है वो आपका NBA से एक्रेडिटेड है, जिससे आपके जो PGDM को और ज़्यादा वेटेज आता है। सो एक प्लस पॉइंट आप यहां से देख सकते हो इस कॉलेज का। नेक्स्ट, अगर बात करूं इसके कोर्सेज का, तो कोर्सेज के अंदर कॉलेज पीजी और यूजी दोनों कोर्सेज जो रन करता है, जिसके अंदर आपको पीजीडीएम कोर्सेज भी रहते हैं और आपका एमसीए कोर्स रहता है, इसके अलावा बीबीए, बीसी और बीकॉम जैसे कोर्सेज के अंदर रहते हैं। ये सभी कोर्सेज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझेंगे आगे चल के किस टाइप से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं इस कॉलेज के थ्रू। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज के कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर का, किस टाइप का कैंपस है। तो कैंपस जो रहता है वो रहता है सरजापुर रोड के ऊपर है, स्टेट हाईवे 35 के ऊपर कॉलेज सिचुएटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में देखा जाए तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है कॉलेज की, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बाहर है, सेमी अर्बन सिटी के अंदर बोल सकते हो। आपको जो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिलती है, आपको जो मॉल्स बोल लो, आपको शॉपिंग के लिए, आपको स्टडी के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हों वो आपको ईजिली जो है कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाती है। एंड जो इनका एक्चुअल में कैंपस है तो वो कैंपस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बाकी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर लैब्स आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्लासरूम्स, सेमिनार हॉल्स, मल्टीपर्पज़ हॉल्स एंड ऑडिटोरियम वगैरह काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं मेंटेन। आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स का फैसिलिटी भी साथ में कैंपस के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं हॉस्टल का बात करूँ तो हॉस्टल भी कैंपस के अंदर आपको अवेलेबल रहता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल्स रहते हैं, इन कैंपस हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ के ऊपर आते हैं, दैट इज़ द एक्सपोजर। तो एक्सपोजर में कॉलेज ये बोलता है कि हमारा इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें इंटरनेशनल टाइप्स के ऊपर बात करें तो इंटरनेशनल टाइप कॉलेज के तीन टाइप से कॉलेज जो आपको ऑफर कर रहा है, फर्स्ट आपको ऑफर करता है सर्टिफिकेशन में, दूसरा करता है आपका गेस्ट फैकल्टीज के अंदर, थर्ड करता है आपका पाथवे प्रोग्राम्स के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेशंस के अंदर, तो जैसे आपका ACCA रहता है, ठीक है, जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वैसे ही ACCA रहता है, तो उसके लिए टाइप कॉलेज का है। दूसरा USCPA रहता है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह रहता है, उसके टाइप है कॉलेज का। थर्ड, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशंस आपको मिलती हैं, सर्टिफिकेशंस आप इनको बोल सकते हो, जो कि आपकी UK की यूनिवर्सिटी से मिलती हैं, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी से जहाँ से आप ले सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट कॉलेज आपको ऑफर करता है इंटरनेशनल टाइप्स के अंदर। गेस्ट फैकल्टी के अंदर, कॉलेज के अंदर गेस्ट फैकल्टीज जो आती हैं जो आपको लेक्चर्स डिलीवर करती हैं। एंड अगर मैं बात करूँ पाथवे प्रोग्राम, तो पाथवे प्रोग्राम आपके रहते हैं जो यूजी प्रोग्राम है उनके लिए पाथवे प्रोग्राम कॉलेज ऑफर करता है। अब इनके अंदर क्या है कि आप यहाँ पे आप स्टडी करते हो, तो अगर आप जो हैं फॉरेन के अंदर जाकर अपना मास्टर्स करना चाहो तो वहाँ पे आप जो हैं ईजिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो वो पाथवे प्रोग्राम्स के अंदर कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है। सेकंड, इंडस्ट्री विजिट जो है कॉलेज आपको ऑफर करता है बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, इवेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इवेंट्स क्लब्स कॉलेज के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ जो कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करने वाले है, दैट इज़ द इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम। अब इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम इज जस्ट लाइक ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे कॉलेज का ये कहना है कि कॉलेज जो है
सिर्फ आपको घुमाने के लिए नहीं लेके जाता। ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम जिन बच्चों को पता नहीं है तो उनको मैं बताऊं कि ये रहता है बेसिकली आपको इंडिया से बाहर कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए इंडिया से बाहर जो है आपको लेके जाया जाता है, वहाँ के कल्चर से, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करवाया जाता है, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के अंदर विजिट करवाया जाता है। तो कॉलेज का ये कहना है कि हम आपको जो है 10 से 15 दिन के लिए लेके जाते हैं, यहाँ पे आपका बीबीए प्रोग्राम के लिए भी रहता है, आपका बीकॉम के लिए भी रहता है, पीजीडीएम के लिए भी रहता है। तो कॉलेज का मेन टाइप यहाँ पे सिंगापुर के अंदर रहता है, सिंगापुर के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सिंगापुर का रहता है, आपका सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रहता है, या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रहती है, वहाँ पे कैंपसिस में जाकर के आप जो है लेक्चर्स अटेंड करते हो, वहाँ से फैकल्टी से सर्टिफिकेशंस आप करते हो, साथ में आप जो है वहाँ पे विजिट करते हो, इंडस्ट्रीज को भी देखते हो, एंड मिनी इंटर्नशिप्स भी आप बोल सकते हो कि वो आपको ऑफर की जाती हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम के अंदर आपको ये चीज़ें ऑफर की जाती हैं। एंड नेक्स्ट बात करूँ वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स का, तो वैल्यू एडेड प्रोग्राम आपको हर कोर्स के साथ मिलेगा, चाहे वो पीजीडीए प्रोग्राम है, चाहे आपको बीबीए है, चाहे आपका बीकॉम है, चाहे बीसीए है, एमसीए, सबके साथ आपको वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसमें आपको जो है अलग अलग टाइप की सर्टिफिकेशन मिलती हैं। जैसे आपको जो है सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल रही हैं, आपको एक्सेल के अंदर मिलती हैं, आपको जो है पाइथन के अंदर सर्टिफिकेशन मिलती हैं बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, आपको जो नेटवर्किंग के अंदर मिलती हैं, आपको अलग अलग कोर्स के हिसाब से जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं। तो वैल्यूएडेड प्रोग्राम्स कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कॉलेज का रहता है। ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली आपको रेडी करता है इंडस्ट्री के लिए, मैनेजमेंट स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। अगर सिंपली बात करूँ तो कॉलेज के ने पर्टिकुलर डे रखा हुआ है जहाँ पे आपका जो है स्पेशल सेशंस आपको डिलीवर किए जाते हैं जिसके अंदर आपको करियर गाइडेंस आप बोल सकते हो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको चीज़ें ऑफर की जाती हैं। इसी के साथ आपके जो कैंपस के फैकल्टीज रहते हैं वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाते हैं, लाइक आपका करियर डेवलपमेंट या रिज्यूमे किस तरीके से बिल्ड करना, कम्युनिकेशन क्लासेज जिसको बोल सकते हो, वो आपका मैनेजमेंट डेवलप प्रोग्राम्स के अंदर रहता है। एंड नेक्स्ट आपका रहता है इंडस्ट्री ट्रैजेक्टरी प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो ऑप्शन देता है आपको स्टडी के साथ अर्न करने का प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने का। अब इंडस्ट्री ट्रैजेक्टरी प्रोग्राम के अंदर कॉलेज का टाई अप है इंडस्ट्री के साथ, कंपनीज का, जिसमें एमएनसी कंपनीज में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, जिसमें बच्चे जो अपने स्टडी के साथ साथ जो है इंटर्नशिप करते हैं। 4 मंथ्स का ये टाइम पीरियड रहता है, उन टाइम पीरियड के अंदर आपको इंटर्नशिप्स करते हो, आपको स्टाइफंड भी ऑफर किया जाता है, एंड एक तरीके से आप बोल सकते हो ऑन जॉब ट्रेनिंग आपका होता है जहाँ पर आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस आप जो है गेन करते हो कंपनी के अंदर और अपने स्टडीज़ के साथ जो है उसको गेन करते हो। तो इंडस्ट्री ट्रैजेक्टरी प्रोग्राम में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपके क्लब्स यहाँ पर मिलते हैं, आपको अलग अलग टाइप की लैब्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कॉलेज आपको ऑफर करता है अपने रेगुलर पीजीडीएम या बाकी कोर्सेज के साथ। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इसके प्लेसमेंट्स का, क्योंकि प्लेसमेंट्स के बारे में हर कोई देखना चाहेगा, तो प्लेसमेंट बात करूँ तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट कैंपस का रहता है, दैट इज आईटीआईटीएस सर्विसेज के अंदर रहता है 26%, उसके सेकंड नंबर पे 23% कंसल्टिंग सर्विसेज के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 14% है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 11% है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 11% है, एजुकेशन 8%, रिटेल के अंदर 7% है। तो सबसे ज़्यादा आईटी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के अंदर जो है कैंपस का प्लेसमेंट रहता है। अगर मीडियम पैकेज का मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6.91 का मीडियम पैकेज जो है कैंपस का रहता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कॉलेज के बारे में जानना ज़रूरी थी कि क्या क्या चीज़ें कॉलेज आपको ऑफर करता है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देने की कोशिश की, वैसे मैं इसके पूरे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि भाई साहब आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पीजीडीएम प्रोग्राम का बात करूँ, तो पीजीडीएम प्रोग्राम के अंदर जो है कॉलेज आपको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहा है, आपको जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहा है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दे रहा है, आपको मेजर और माइनर के सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिलते हैं जो कि स्पेशलाइजेशन रहती है, आप मेजर और माइनर के रहते हैं, मार्केटिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो, फाइनेंस के साथ फिनटेक ले सकते हो, और बिजनेस एनालिटिक्स के ऑप्शन आपके यहाँ पे मिलते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है। आपको जो फैकल्टी जो यहाँ पे मिलता है वो मेजरली जो मैंने इनका देखा है वो इनका परमानेंट फैकल्टी ज़्यादा है, मतलब मोस्टली फैकल्टी इनका जो परमानेंट रहता है, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनका पीएचडी फैकल्टी आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, तो वो प्लस पॉइंट है। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ इसके इंडस्ट्री एक्सपोजर का, तो आपको इंडस्ट्री विजिट्स तो मिलती हैं, प्लस जो इनका इंडस्ट्री ट्रैजेक्टरी प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे आपको पर्सनल एक्सपोजर मिलेगा, प्लस आपको जो है स्टाइफंड भी ऑफर होता है, एक तरीके से आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। तो पीजीडीएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके पास बहुत बढ़िया रहती हैं, साथ में आपका जो इनका प्रोग्राम है इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम वो काफ़ी अच्छा है, आपको एक्सपोज करेगा। एंड मेन चीज़ जो वेटेज देगी मेरे डिप्लोमा को, मेरे सर्टिफिकेशन को, वो इनका एक्रेडिटेशन है, क्योंकि कॉलेज जो है एनबीए से एक्रेडिटेड है, जो प्लस चीज़ है, क्योंकि बहुत कम कॉलेज आपको एनबीए से एक्रेडिटेड मिलेंगे, क्योंकि एनबीए पढ़े कोर्सेज को ही एक्रेडिट करता है। सेकेंड चीज़ एआईयू से इनका मेंबरशिप है, जो आपका एसोसिएशन है
पीजीडीएम प्रोग्राम का, जिसकी वजह से मेरा जो पीजीडीएम प्रोग्राम है वो एमबीए के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अगर मेरे को फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है या दूसरी चीज़ों के लिए जाना है तो मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, एंड एआईसीटीई से अप्रूवल तो मेरे पास है ही है, तो डेफिनेटली मैं इन प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करूँ इसके बीकॉम का, तो बीकॉम के अंदर एसीसीए है। अगर आप बीकॉम के लिए जाना चाहो तो एसीसीए एक प्रोग्राम आपको साथ में मिलता है, प्लस आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन साथ में मिलती है। तो एसीसीए का आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपके जो 9 एग्जाम होते हैं एसीसीए के वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका करिकुलम इन्होंने बीकॉम के अंदर ही इंक्लूड किया दिया है। तो वो एक प्लस पॉइंट है, वो टाई अप रहता है। आप उसके बाद जो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ एग्जाम रहते हैं उनको क्लियर करने के बाद, तो वो प्लस पॉइंट आपके पास रहता है। तो ये चीज़ है, प्लस वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स आपको बीकॉम के साथ मिलते हैं। एंड एक यूके की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से आपको जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं। एंड अगर बात करूँ बीबीए के अंदर, तो बीबीए के अंदर भी इनको मैनेजमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको जो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिल जाते हैं, आपको जो है इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम मिलते हैं, आपको वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, वो आप इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर बीसीए और एमसीए प्रोग्राम्स का, क्योंकि इनके अंदर मैं बात थोड़ा कम किया, तो अगर बीसीए और एमसीए प्रोग्राम का बात करूँ तो बीसीए के अंदर भी आपको जो आईटी की सर्टिफिकेशन हैं, जैसे सिस्को की सर्टिफिकेशन हैं, एडब्ल्यूएस की है, माइक्रोसॉफ्ट की हैं, तो वो सर्टिफिकेशन इन्होंने इंक्लूड की हुई हैं आपके करिकुलम के साथ, जिसमें आप नेटवर्किंग के अंदर मिलती हैं, आपको पाइथन के अंदर मिलती हैं, आपको जो एआई टूल्स के अंदर मिलती हैं, आपको जो वेब सर्विसेज के अंदर मिलती हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट आपको साथ में रहता है। प्लस इंडस्ट्री विजिट और इंडस्ट्री ट्रेनिंग तो इंक्लूडेड हैं ही हैं बीच में। इन चीज़ों को जो है आप लोग कंसीडर कर सकते हो अपनी स्टडीज़ के लिए। बाकी कॉलेज को डिटेल में जानने के लिए आप जो इनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डिटेल में अपन को दे सकते हो, इनका ब्रोशर का लिंक दे दूंगा, बहुत सारी चीज़ें आप देख चेकआउट कर सकते हो कौन से प्रोग्राम के अंदर कैसा है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के हैंडल्स के थ्रू बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉलेज से भी बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था वीडियो आईएसएमई कॉलेज के ऊपर। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, कि कैसा है कॉलेज, बहुत ही रहेगा आपके लिए, नहीं रहेगा। एंड हेल्पफुल लगा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।